मैं क्वेश्चन कर रहा था तो आप फौरन मेरी तरफ हुई और रिजल्टेंटली क्या हुआ कि शिजा उसको जो है क्या नाम इसका फायजा को मौका मिल गया थोड़ा सा फायजा पे रखें फायजा को मौका मिल गया वो करने का बाउंस करने का गेम। मैंने बताया कि देखें आपने जब टारगेट बिहेवियर है अभी हमने कहा कि हमारा ये टारगेट बिहेवियर होना चाहिए फायजा के हवाले से। अब आपने जो भी करना है आपने मुड़ के मुझे देखना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उधर से कोई आया है आप डिस्ट्रैक्ट होंगी, आपने किसी को कुछ कहना है, जो भी करना है टारगेट बिहेवियर मेरे जहन में प्रायोरिटी वन पे होना चाहिए कि इसको मौका मिल जाएगा। अलर्ट रहना है मतलब ये, क्योंकि आपने उस बिहेवियर को टारगेट किया हुआ है और वो तभी कंट्रोल होगा अगर आप उसको जो है अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। और जब उसने कर लिया अब अगर उसको आप एक तकरीर करें पूछें तुम्हें मैंने क्या कहा था खबरदार क्यों किया तुम्हें समझ नहीं आई थी तुम्हें ये सारी तकरीर ये सारी एफर्ट आपकी ये जो आप एनर्जी लगा रहे हैं बोलने में उसके साथ अपना निकाल रहे हैं अपनी गुस्सा निकाल रहे हैं इट इज़ ऑफ नो यूज। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ऑफ नो यूज तो समझ आती है। मजे की बात ये है ये नहीं कि उसको समझ नहीं आती है उसको समझ आती है मैं कह रहा हूँ नहीं मैंने कहा कि जो तकरीर मैं उसको कर रहा हूँ तुम्हें कहा नहीं था समझ नहीं आई तुम्हें क्यों किया ये फजूल है बेफायदा है ये क्यों बेफायदा है मैं कह रहा हूँ वो समझती है उसको मेरी सारी बात एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा है मैंने क्या कहा है क्यों कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है उसको बिल्कुल समझ आ रहा है ठीक है जी। इस साइड से कोई जवाब मेरे सवाल का मेरे सवाल का जवाब है नहीं मेरा सवाल यह है कि वो जो तकरीर आपने की है वो फजूल या बेफायदा क्यों है इसकी उसकी समझ में नहीं है उसकी समझ में है मैं कह रहा हूँ साथ आपको रेपिटेटिव बिहेवियर है उसका उसका रेपिटेटिव बिहेवियर है उसके अभी अभी आपको जो आप बात कह रही है डिसऑर्डर वाली साथ साथ ही आप उधर चले जाए डिसऑर्डर में डिसऑर्डर उसका क्या है एएसडी एएसडी में क्या होता है रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। अब वो जो पाउंसिंग ये लगातार कर रही है मैं उसको लाख तकरीर करता हूँ तो उसको समझ जरूर आ रही है कि मैं उसको समझा रहा हूँ कि ऐसे नहीं करना लेकिन इसके बावजूद वो फिर कर देती है रेपिटेटिव बिहेवियर है और फिर वो कर करके स्ट्रांग हो गया इतना स्ट्रांग हो गया कि जब मैं उसको समझा रहा हूँ उसको समझ आ गई वो कोशिश भी करेगी आइंदा समझ आ गई उसको वो शायद माइंड में ये भी करेगा मैंने नेक्स्ट टाइम नहीं करना है नेक्स्ट टाइम अगले चंद मिनट के अंदर अंदर दोबारा जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है या उसको अर्ज होती है दोबारा रिपीट करने की वो फिर कर देती है। ये इस लेवल पर ऐसे हो रहा है। दूसरा लेवल हम देख लेते हैं बच्चे समझदार जो है फॉर इंस्टेंस मैं बात करता हूँ अब्दुल राफे की या और हाई फंक्शनिंग बच्चे हमने कौन से देखे थे यहाँ पे कोई और बड़बल बच्चे जो होते हैं अब्दुलरहमान जब वो एएसडी के अंदर होते हैं उनका क्या होता है आज उन्होंने कोई गलत काम किया एनी बैड बिहेवियर जो भी मैंने उसको डांट डपट की समझा दिया उसने माफ़ी तलाफी कर दी सॉरी सॉरी आइंदा नहीं करूँगा। शहीद हमारे पास इवनिंग में एक आता है इस तरह बच्चा शहीद उस लेवल पर है बड़बल है अच्छा उस वक्त उसने माफ़ी तलाफी सॉरी आइंदा नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम वो फिर वो करता है और फिर माफ़ी मांगता है ये फेज़ ये जो करना और माफ़ी मांगना करना और माफ़ी मांगना ये ऐसे ऐसे चल रहा होता है आपने नोट किया इस बात को होता है तो ये वही बात है जो ये फ़ायदा की बात हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस क्या आ गया वो बोले बगैर उसको रिपीट कर रही है माफ़ी तलाफ़ी नहीं कर रही है सोचती ज़रूर है कि हाँ मैंने गलत किया है लेकिन अब्दुल राफे क्या कर रहा है अब्दुल राफे गलत करता है जब हम उसको ऑब्जेक्ट करते हैं समझाते हैं डांट डपट करते हैं फैटी लगाते हैं जो भी करते हैं उसके रिजल्ट में वो माफिया मांगता है मुझे माफ़ कर दें आई एम सॉरी आई नॉट डू इट अगेन लेकिन नेक्स्ट टाइम फिर वही काम कर देता है। अब्दुल रहमान भी ऐसी आपने कहा ऐसी करता है माफ़ी मांगता है सॉरी सॉरी करता है सैफ रोजाना इसी तरह सैफ भी करता है तो क्या ये वही बिहेवियर नहीं है सिर्फ डिफरेंस क्या है द ओनली डिफरेंस इज लेवल ऑफ फंक्शनिंग
इसका लेवल ऑफ फंक्शनिंग वो नहीं है कि ये माफी मांगे सॉरी करे इस डांट डपट के ऊपर समझने वाली पे। अब ना अब्दुल रफी को ना शहीद को ना उसको किसी को भी हम ये तवक्को नहीं करेंगे कि मेरे लेक्चर से उसको समझ आ जाएगी। उसके लिए भी फार्मूला वही होगा, विल नॉट गिव दी अपॉर्चुनिटी, हम उसको मौका नहीं देंगे, रीइन्फोर्स करेंगे ना करने को। वो कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं फायदा की, इसको हाउ कैन वी रीइन्फोर्स फॉर नॉट डूइंग दिस ऑड बिहेवियर। दो तीन मेंबर्स अभी आप मेरी बात को सुनिए, इधर देखे देखे बगैर सुनना है, शिजा प्लीज। हाँ जी, अच्छा जी, कानों से सुनना है, आंखों से। अच्छा पॉइंट इज दिस, आप मुझे जरा एनालाइज करके जवाब भी देंगी आप लोग कि इतने दिन से जितने दिन से आप दे रहे हैं कितनों ने इसको ये कहा जब इसने 15 मिनट पाउंस नहीं किया, आपको पंजा नहीं मारा, किसी के बाल दुपट्टा नहीं खींचा, कितनों ने इसको ये कहा वाओ फायदा यू आर सो गुड अ गर्ल, आपने आज पंजा नहीं मारा, या जो भी लेबल आपने उसको किया हुआ है दिया हुआ है उस बिहेवियर को उसके लिए। जी हाथ खड़ा करें, किसने कहा ये है जी? पेज नहीं फाड़ा, मैं पहुंचे टारगेट बिहेवियर हमला उसके ऊपर मुझे बताएं कि जब इसने नहीं किया 10 मिनट 15 मिनट जितना टाइम भी आपने नोट किया और उसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने इसको रीइंफोर्स किया कि वेरी गुड यू आर अ गुड गर्ल, व्हाई गुड गर्ल बिकॉज यू हैव नॉट डन देम। आज ना मैं नतीजे का सेशन ले रही थी, ड्यूरिंग ना हमने 15 मिनट इससे काम करवाया, साथ पूछा असेसमेंट का भी कह रहे थे, तो इससे ऐसे नहीं किया। फिर मैंने ना नतीजा को बोला था, नतीजा बहुत अच्छी अच्छी है नतीजा, तो किसी को ऐसे नतीजा आए तो मैं जान बूझ के नहीं बोल रही, नतीजा जान बूझ के बोल रही हूँ, तो मैंने इसको किया था। आप तो हमें भी टेस्टिंग में डाल दिया, मैं कह रहे हैं सवाल चना जवाब वो क्या है, मैंने उसको आज किया था, आज मैंने भी किया था, परीक्षा में किया था और उसने भी किया था, पोएम बोलते हैं, पोएम से कुछ पोएम से कुछ होती है, फिर हम उसको साथ साथ ये चीज़ भी करते हैं, लेकिन फर्स्ट डे से अभी तक हम लोगों को इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आया है और आज हम यही चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट वीक हम किसी को लेंगे। तो इसमें ये रीइन्फोर्समेंट के लिए क्या कर सकते हैं, जब उसने नहीं कर रहा, जब अब्दुल रफी वो काम जो गलत करता है जो आपका टारगेट बिहेवियर है वो नहीं कर रहा या नहीं किया उसने फॉर सर्टन पीरियड, नाउ वी हैव टू रीइन्फोर्स एंड गिव हिम समथिंग ऑफ हिज इंटरेस्ट। और उसको कहिए आज आपको मैं पार्क लेके जा रही हूँ, क्यों लेके जा रही हूँ, बिकॉज आपने ये इतनी देर ये नहीं किया, उसको समझाया बताना जरूरी है, साथ फीडबैक इसको भी बताना जरूरी है, शी कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं कि उसको समझ नहीं है, लेकिन अगर हम उसको समझाएंगे जब उसको कर रही है उसको, हम उसको उस वक्त अगर हम एड्रेस करें फिर उसको समझ को नहीं आए फिर जी मैं क्यों ना करूँ, वो करेगी और बल्कि रादर वो उसको पिक कर लेगी कि दिस इज समथिंग विच इरिटेट्स मी ऑन विच आई गेट डिस्टर्ब, अब वो उसको ज़रूर करेगी। रीज़न उसका क्या फंक्शन ऑफ इस बिहेवियर का क्या हो सकता है, वो शायद अटेंशन सीखी हुई हो, मैं उसको जब जैसे ही मिस्टर ने इधर देखा उसको अटेंशन की कमी महसूस हुई, उसने फट वो किया और अटेंशन ले ली, अब मिस शीला मजबूर है उसको देखने के लिए बिकॉज दुपट्टा हाथ में आ गया उसको खींच रही है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड के बिहेवियर्स को टैक्टफुल डीलिंग हम किस अंदाज से करेंगे वो बड़ा ज़रूरी है, और जिस बिहेवियर को हम टारगेट करें उसको हमने अलर्ट रहना कि वो ना होने पाए मैक्सिमम। तो इसके इस बिहेवियर में रिडक्शन कितनी आई है इतने दिनों में, कुछ आई है नहीं आई है, इतना आई है, आई है 30% हम कह सकते हैं, 30% आई है नहीं कह सकते क्योंकि पहले तो इसका सिटिंग बिहेवियर भी इतना खास नहीं था, और हर किसी को ऐसे आके ना कोशिश करती थी कि पाउंसिंग में करे और ये सब कुछ, लेकिन अब इसकी ये चीज़ काफ़ी कंट्रोल भी है। इसका ये बिहेवियर दरअसल ना बहुत स्ट्रांगली डेवलप्ड है, 14-15 ईयर्स एज है इसकी, और अब दूसरी बात ये कि हम इसको टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे लिमिटेड टाइम है ना 24 आवर्स में से, इट इज़ लिमिटेड टाइम, अब उसमें हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, बाकी टाइम के अंदर ये कितना एड्रेस हो रहा है, इसी स्ट्रेटजी पे हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या वो इसको मना करते रहते हैं जब ये करती है,
जब ये करती है तो वो उसको डांटते हैं, समझाते हैं, मना करते हैं, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो दीज टू आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज। अब उसमें उस वो उतना अच्छा रिकवर नहीं होगा। घर में बांध के भी इसको रखते हैं, गाड़ी में भी जब आती है हाथ के बांधे होते हैं, दैट इज नॉट द सोल्यूशन। वो मेरी स्ट्रेटजी नहीं है। मैंने यहाँ पे आपको एक दिन भी नहीं कहा कि इसके हाथ बांधे, मैंने मना किया है, बल्कि ब्लॉकिंग चेयर से भी मैंने इसको निकाला है। क्लास में इसको बाद पहले वो उसमें बिठाते थे, मैंने मना किया कि उसमें नहीं बिठाएंगे हम, क्योंकि जितना हम उसको रोकने की कोशिश किस तरह करेंगे, बंद लगा के फिजिकली उसको मजबूर इस तरह की चीज़ों में, उतना वो बढ़ेगा। ये जरूरी बात है, इसलिए इनको अकॉर्डिंगली हमें डील करना चाहिए। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये भी है कि मैं ऑन बोर्ड लूँ इसके पेरेंट्स को और उनसे भी डिस्कस करूँ कि व्हाट स्ट्रेटजी दे आर डूइंग इट। हम इसका ये करते हैं कि हम इसका बीआईपी बनाते हैं, व्हाट डू यू से, ठीक है जी, आज हम इसका बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान बनाते हैं सब मिलके, सिंडिकेट वर्क करते हैं इसको, और उसकी बेस के ऊपर जो है विल इन्वॉल्व द पेरेंट्स, उनको बुलाएंगे, उनको करा के बताएंगे ऐसे करें ऐसे करें, और ख़ुद उनको करा के दिखाएंगे। अब वो उनको टास्क देंगे कि कितनी कितनी देर करें, सारा दिन वो भी नहीं इसको इस तरह से कर सकेंगे ना, बट वी कैन मेक सम स्ट्रैटेजी जिसमें कि कुछ परसेंट उनकी तरफ से भी हमें मिल जाए इसको। तो अगला हफ्ता आपने कहा कि भी आप अगले हफ्ते में भी इसको लेना चाहती हैं, उधर देखें टारगेट बिहेवियर मेरे सर पे सवार होता है, मैं आपको सही बताऊं। जैसे ही उन्होंने इधर मुड़ के देखा, मुझे फौरन क्लिक किया कि ये तो गलत हो गया, मेरा तो उधर ही रखना है, बेशक हाथ पकड़े हो उधर, इधर हुए ना टेंशन कम होगी ना, उधर कुछ उल्टा काम कर रहा है। अच्छा, तो इसलिए उसको हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर हम उसको जो है उनके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये चैलेंजिंग केस था, आसान नहीं है ना, जितने ही बच्चे हम ले रहे हैं और दूसरों को हम थोड़ी देर लेके वापस भेज रहे हैं, इसके लिए मैंने कहा कि इसको हम यहीं पे बिठाएंगे। तो ये जो इनको ले रही हैं, काम कर रही हैं, इनके लिए बचाऊंगा कि हम सब क्लैप करके इनको अप्रिशिएट। मैं आई रियली अप्रिशिएट, इट्स नॉट दैट ईजी, मुझे अंदाज़ा है, और ये सिर्फ वही कर सकता है जो हिम्मत करे और डिटरमिंड हो, जो कंसिस्टेंटली इसको इस अंदाज से करे। आप लोगों के बाल भी खींच रही है, दुपट्टे भी खींच रही है, कपड़े भी खींच रही है, इधर कल किसी दिन को भी मार दिया था, वो मुझे रात को भी ख्याल आता रहा कि भाई उसको, इन सबको मैंने कहा था कि बैठे रहो, इसको मैंने कहा था कि इसके हाथ छोड़ दो और गुजरते हुए उधर उसे हमला कर दिया, शुक्र है आँख बच गई उनकी। बट पॉइंट इज दिस कि ये चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन एफर्ट करने से इस पर बेहतरी आ सकती है इंशाल्लाह। लेकिन ये हर इन्वायरमेंट में होनी ज़रूरी है। मैं भी चाहूँगा कि मैंने इसके साथ आप लोगों को नहीं अभी तक बैठ के दिखाया है, करता हूँ मैं भी करता हूँ। नहीं सर, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि अगर टोटल अगर एक मंथ भी एक हम एक ऑब्जर्वेशन में रहे कि ठीक हो सकती है इंशाल्लाह। देखिए बिहेवियर के बारे में हमने क्या कहा था, इट टेक साइकोलॉजी कहती है थ्री ठीक है वीक्स टू वैनिश, तीन हफ्ते लगते हैं मतलब के लिहाज से। मैंने बताया था कि 40 डेज वाला फार्मूला उसमें चलता है, चिल्ला काट लो तो ठीक हो जाता सब कुछ। तो मेरा उसमें कुलिया क्या है, माय फार्मूला इज कि इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर। अगर ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड होगा, ज़्यादा पक्का पुख्ता हो गया हुआ है, तो उसको छोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, न्यूली डेवलप, उसमें कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ इसमें एफर्ट है, कंसिस्टेंसी, जो इन्होंने कहा जी एक महीना इसको टारगेट कर लें तो ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो लेकिन ये एक महीना खाली यहाँ पे नहीं, ये होम एनवायरनमेंट, गाड़ी एनवायरनमेंट, एवरी एनवायरनमेंट, उन सब में अगर एड्रेस होगा फिर इसमें बेहतरी आएगी। अगर मैं यहाँ पे एफर्ट पूरी करता रहूँ तो मेरा वो जो फॉर इंस्टेंस मैंने एक महीना इन्होंने कहा ना ये एक महीना में ठीक हो जाएगी, अगर ये दूसरी एनवायरनमेंट्स में काम ना हो इस बिहेवियर पे, वहाँ इसको मौका मिलता रहे, इट विल सस्टेन। अब वो एक महीने में नहीं ख़त्म होगा, अब वो छः में भी शायद ना हो, कम हो जाएगा, इन्वायरमेंटल बन जाएगा। लेकिन ये इसका इतना स्ट्रेंथन हुआ हुआ है कि ये ऑब्सेसिव बिहेवियर की तरफ चला गया हुआ है, समट उतना स्ट्रांग हुआ हुआ। तो इसके लिए इन्होंने बड़ी एफर्ट की है, मैं इनको देखता रहा हूँ। और तीसरी कौन होती थी, एक और भी आप बैठे, हाँ जी परवा, सॉरी। तो इसलिए ये मकसद मेरा कहने का ये कि ये हम अगर बाजू टांग ले और पीछे पड़ जाए
तो मैनेजेबल है। अगर हम शुरू में ही घबरा जाए, शुरू में डर लगा था आप लोगों को क्या? यस सर। जी सर, बहुत ज्यादा लगा था। यस सर। अब सर अब तो आप तो बिल्कुल करीब ही आने के लिए, उनका हाल बताते हैं, अटैक है तो याद है शुरू के इसके लिए। ठीक है, तो इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन अभी एटलीस्ट आप साथ बैठे हैं, इन्वॉल्व किया हुआ है, सब कुछ वो चल रहा है। इट इज़ नॉट कि ये एक दिन में हो गया है, आपने इस पर एफर्ट किया फॉर गुड 5 डेज हो गए इसको। आज 5th डे है और आज ये सीढ़ियों पे भी खुद चढ़ के आई है। वेरी गुड। और कल आपने इसको लेकर शेयर किया, ओह ये कल ये बैग लेकर खुद गई है सीढ़ी। अच्छा, और कल यहाँ से ये जो क्रॉल का बैठ गई थी, इसका एक और प्रॉब्लम क्या है कि ये लेट बैठ जाती है, मैंने नहीं कुछ करना, वो भी एक बिहेवियर से अपनाया हुआ है। अब वो इतनी बड़ी है माशाल्लाह कि इसको कौन उठाए, उठा के लेकर नहीं जा सकते। वो कल हमने इसको क्या किया, यहाँ पे इग्नोर किया, जब ये नीचे बैठ गई यहाँ पे जाते हुए, कभी मुझे मैंने नहीं जाना, मुझे उठा के लेके जाओ, तो इसको इग्नोर करने से क्या हुआ, इसने क्रॉलिंग शुरू कर दी और यहाँ तक जब गई है, उधर जाके इसको मैंने हल्का सा ऐसे किया, उठो 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 जाओ जाओ, जस्ट सिंपल कमांड। तो और सामने उधर कौन खड़ा था, कोई और खड़ा था उसको जो रिसीव करने आया था, मिस जारा, तो ये उधर से खड़ी हुई और आगे चल के चली गई। सो पॉइंट इज दिस के बिहेवियर को सही तरीके से डील करें। इसके साथ होता क्या था, गाड़ी से यहाँ उतार के जो मिस असमा में जो शादी ये सारे इनको घसीट रहे होते थे, ऐसे खेच खेच के लेके जा रहे, वी कांट डू दैट। और वो बढ़ाएगा उसका, उसको टैक्टफुल डील कर ले, उसको इग्नोर कर दे, बाहर कुंडी लगा दे कि बाहर वापस ना जा सके, सारा दिन बैठी रहेगी मेरी फर्ज उधर, मैं उसकी मतलब चीज़ें उठा के उधर ले आऊँगा। अब उसको होगा कि ये तो काम है मेरी, इफ इट वाज एन एस्केप, तो वो उसको फिर भी एस्केप नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू फाइंड आउट वेज हाउ टू डील द बिहेवियर, उसमें आपको कुछ ना कुछ रास्ते मिलते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो मैं भी थोड़ा आपको बैठा इसके साथ, मैंने किया हुआ है इसके साथ, क्लास एनवायरनमेंट में काम इसके साथ किया हुआ है। बीट्स, वाओ, डाल डाल मेरा बेटा, डाल 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 डाल, गुड, हेल्प करूं हेल्प, हट के आप डाल 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 मेरा बेटा, आपके लिए उठाते उठाते मैं देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, ऐसे ये उठाओ ये ला, राइट, डालो 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 डालो, इसके इसके अंदर इसके अंदर, हाँ ऐसे चलो डालो मेरे बेटा, ये पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, आई एम अलर्ट टू टेक एक्शन टू द बेस्ट, हाँ हाँ पकड़ो ना, ये डालो उसमें, कहाँ गया ये, दस उठाए 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 उठाए, ओ डालो डालो, तो कितना टाइम मैं गेन कर लेता हूँ इसको ये मौका दिए बगैर, दैट इज द सक्सेस। कैसे करता हूँ वो मुझ पर डिपेंड करता है, मैं क्या फार्मूला लगाऊँ कैसे करूँ, सीधे को बैठो ना बेटा, इधर से लाओ मैं डाल के दूँ आपको, डालो उसमें डालो, चलो शाबाश भाई, ये एक डालेगी तो हम दो क्लैपिंग करेंगे, ठीक है, टू क्लैपिंग, चलो डालो, मेरी टोन में एक फर्मनेस है, दैट इज गिविंग अ मैसेज कि जी आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ यू, आई एम नॉट वरीड व्हाट यू विल डू, ओ कितने लगे था, डालो डालो बेटा, मेरा कोल इस पर बीडिंग नहीं है, तेजी में इसमें तेज में डाल ना, कोल डाल, कोल डाल, चल डाल डाल, कैंजो, वेरी गुड, हाई फाइव करो, ये क्लैपिंग, टू क्लैपिंग कही थी मैंने, टू क्लैपिंग, वन टू, क्या ले रहे, दे बोले दोस्त, दे ये लो मेरा बेटा, डालो डालो और डालो, गुड, ओ डाल डाल डाल, टिश्यू चाहिए थी, डालो कैच कर, है ओ हो, एक और क्लैप, टिक टिक टिक, चलो खुद आप
तो कौन कहता है उसको समझ नहीं आती उस लेक्चर की? कैन समवन से कि वो लेक्चर जो दे रहे थे उसको समझ नहीं, समझ सारी आती है, शी कैन नॉट इंप्लीमेंट दैट, अंडरस्टैंड करती है पूरा। तो मैंने जिक्र किया टीचर को चाहिए और उसने उसको समझ आ गया कि मुझे क्या चाहिए। तो नो से ऐसे गुड देता हूँ देता हूँ, आप ये कह रहे हैं दो फिर दूंगा, चलो डाल मेरा बेटा बदल दे। चलेगी तो उसका दिमाग नहीं मानता कि मैं वन क्यों बोलूं दोबारा, ठीक है? मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, बट आई एम फुली इन्वॉल्वड इन देयर। कि चलो ये मैं देते हैं, अभी से दो को अभी देता हूं, अभी से पहले काउंट कर ले मेरे बेटा, इनको काउंट काउंट कर ले। 1 फाइन, अब इसको वन कैसे बुलवाया जाए? अब मैं वन को पार्शियल करूंगा, वो बदल लेंगे अभी। अभी मैं फुल वर्बल प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, वन पूरा बोल रहा हूँ, टू जी शेट। अब मैं उसको पार्शियल करूंगा, कब कब चलो वाह 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 वाह। अब उसने वन बोल दिया, क्योंकि देता 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 अब उसने वन क्यों बोल दिया? वन पूरा उसको सुनाई नहीं दिया कानों को, उसके कानों को सुकून नहीं आएगा जब तक उसको वन की पूरी आवाज नहीं आएगी। उसके कान कब सुकून में जाएंगे? वंस शी विल लिसन वन पूरा कंप्लीट ना सम तक, बिकॉज शी इज रेपिटेटिव, उसका ऑडिटरी सेंस रेपिटेशन चाहता है। और वो उसको देता 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 क्या दो दो तो आई नहीं ले लो, ये भी ले लो और साफ भी करो। ओ अल्लाह इतनी प्यारी बेटी, रख भाई अब निकाले इसको निकाले, लाओ लाओ निकाल लाओ, इधर 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 वेट 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 बताओ सारे निकल गया, वो निकल गया, इधर आ मिसको दे मिसको यार मिसको उनको प्लीज कर दे, प्लीज उनको मिस को प्लीज कर दे जी, कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे चलो
लो जी खेचो मेरा बेटा निकालो निकालो जी जोर से या ला या और आपने शर्ट सही करनी है शर्ट सही करनी है ठहरो मिस की शर्ट सही करनी मिस की शर्ट चलो यहाँ से सही करो 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 ऐसे इधर से भी करो मिस का दुपट्टा भी सही कर छोड़ दे आप हाथ में बैठा क्यों चलो ऐसे दुपट्टा सही कर ये दुपट्टा इधर सही कर सही ऐसे चलो अभी फिर सही करेंगे दोबारा रिप्लेसमेंट एक चीज़ वो पकड़ के उसको वो डीड पूरी होती है ना एक साइकिल उसका रैपिड ओए अल्लाह ये चीज शर्ट से की फिर शर्ट देख लो फिर शर्ट देख लो इसकी शर्ट ऐसे इधर से इधर से इधर से इधर से जस्ट रिलैक्स नाउ शी हैज लेफ्ट एट हर ओन दिस रिप्लेसमेंट ऑफ अनएक्सेप्टेबल दे तो दे तो ये लो ये लो ये लो ओए अल्लाह इतनी प्यारी बेटी मेरी यो लो गाना सुन निकालो वेट वेट दे दो दे दो कैच यू आप हाथ छोड़ने आप नीचे रखे हाथ मैं बैठा हूँ ना घबराई घबराती हूँ अब ये शूज आपके किधर है इतने प्यारे शूज शर्ट सही करनी आपने हाथ नहीं लाना आगे वो शर्ट सही करती है इतनी अच्छी है ये देखिए बस चले चाय पीनी है
पहनाओ तो नहीं है ना, पहनाओ मुझे, पहनाओ 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 पहनाओ। थैंक यू गुड गर्ल, गुड काउंटिंग किया, 1 2 इधर 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 3 चाय पीनी है, बोले बोले पीनी है नहीं, 3 4 5 क्या ला करते, क्लैपिंग भी करते हैं, 1 2 3 5 मैंने फोन ही बोला उसके काम सुना चाहते हो, बोल देगी शर्ट सही करो, पहले शर्ट सही करो, बिस्किस की शर्ट, बिस्किस की शर्ट सही करो, यहाँ से यहाँ से करें करे सही, ऐसे शर्ट तो सही करते मेरा बेटा, ऐसे इधर से भी काम, ऐसे ओ थैंक यू चलो सर कर गाओ इधर कर, चलो चलो अब निकालना है आपको उधर, मैंने कहा ये वाला कार उधर नहीं रही है, मैं एक्चुअली उसको वो कर रहा हूँ, अब उसका नीड है कि उसको फिक्स भी करना है ना, मैं ये नहीं करा कर नहीं दूंगा, ऐसे आपको उधर करना, आप निकाले ऐसे छठ सीकर पहले छठ आप तो ये क्या हाँ गिरा उठाओ 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 रखो 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 दे रखो गोद 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 रखो आप निकाले क्या ला इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ जब तक वो अटेंटिव नहीं है, हार्ट 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 निकाले हार्ट हार्ट निकाले हार्ट 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 ऐसे गुड ऐसे गुड अब स्टार्ट, वाओ फाइजा सो गुड, वेटिंग कराऊंगा वेटिंग ऐसे वेट निकालता हूँ, मैं बताता हूँ बोल सर अब निकाल बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी बताने लगा था, बताता हूँ अभी बताता हूँ, ये निकालें आप मैं बताता हूँ, ये नहीं आप ऐसे करें ये वाला कौन सा है, हेक्सागन 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 निकालो, वाओ शर्ट सी शर्ट से ये वाला ऐसे गुड काफी हो गए, वो निकाल दो थोड़ी और ये वाला निकाल लो उधर, ओहो फिर गया तो मेरे बेटा, अच्छा टैप कर एरो वेट कर देता हूं, अब निकालना है यही रह गया बस, वन रह गया, वन निकालना है, ये भी निकालना है, निकालते हैं अभी निकालते हैं, अभी देता हूं निकालना मेरे बेटे, दे दो पहले शर्ट सही करो यहां से, ये वाली सारी चलो ये भी सही करो मेरे बेटा, और दुपट्टा किधर है आज, दुपट्टा नहीं लाई, दुपट्टा लाई दे मुझे दुपट्टा इसका, चलो ले लो मेरे पुत्र, ओ हाय दुपट्टा नहीं लिया आज, लो जी कहाँ रखा है दुपट्टा, दे रहे हैं इसको के दो दे दो दुपट्टा दो, ये लो जी ले लो मेरा बेटा, खोल खोल ले लो ले लो निकाल लो, क्लैपिंग कर दी है मेरी सामने लिए, इतनी प्यारी बेटी ऐसे ऐसे चलो ऐसे, ये निकालने जो रह गया था रेक्टेंगल उधर उधर रखें, वाओ भाईजा कितनी अच्छी बेटी है, लाजू उतारो उतारो ऐसे पहनाओ मुझे, वो पहना दी भी तो है ना, अब पहनाओ मेरा बेटा पहनाओ मुझे ऐसे ऊपर करके, नाइस डूइंग नाइस, चलो ये लगाएं शेप वन लगाएं वन कोई ये वेरी गुड लगानी पड़ी इसको लगाओ इसको ऐसे करो ऐसे गुड रेक्टेंगल लगाएंगे इधर आएगी इधर 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 बटा सही कर
ऐसे पिक्चर खींचने वाली है आप तो, वेरी गुड पिक्चर खींचेगी, सिखाओ जी पिक्चर खींचेगी आप, ठीक है? इधर ही लगेगा, इधर इधर इसमें इसमें ऐसे नाइस डूइंग। और ठीक है बेटा, बेटा भी अभी जाते हैं, मुझे पहले तीन चीज सुनाओ मेरे बेटे को, आती है वन टू आती है, सुनाओ मेरा बेटा। वाह वाह, इतनी प्यारी बेटी, मेरी ग्लासेस पहनाए मुझे पहले, ग्लासेस पहनाए मेरा बेटा, पहले ग्लासेस पहनाओ, मेरी ऐनक पहनाओ, ऐनक ऐनक दो, इसको कहें दो 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 दो। ठीक है स्टार। और ये क्या है, ये क्या सर, वेरी गुड। और आपने ऐसे नहीं किया, वेरी गुड भाई, क्लैपिंग करेंगे हम फायदा के लिए, क्योंकि फायदा ने ऐसे नहीं किया बल्कि फायदा ने शर्ट सही की, कि मेरी शर्ट देख रुपये, थैंक यू मेरी बेटी, वेरी गुड। और मिस की भी कर दो, मिस क्या कहेंगी, मिस का दुपट्टा भी सही कर दो, दुपट्टा सही करो, प्लीज डोंट टच। इंटरेक्शन हमारा इसके साथ बेखल तकरीबन 15-20 मिनट हो गए, उसमें कितनी दफा इसने रिपीट किया इस बिहेवियर को, मुझे ये नोट रखना है, और नेक्स्ट सिटिंग में ये उससे कम होने चाहिए और हो गए इंशाल्लाह। अब ये चीज इसके घर पे चल दो, बोलो मेरा बेटा, आता नहीं है करना, कहना प्रोसेस वो नहीं आता उसको, हाउ टू डू इट, वो क्या करने लगी है, पहली बार अच्छे वाला डिजाइन, वी नो कल बात कर रहा तुम्हें किस पे जेब पे, इधर जब मैं पहली बार बना देता, वाओ नाइस डूइंग, कल बात करें, बंद बंद पहले से बंद, सीधे 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 स्ट्रेंथन्ड है, उसको अनलर्न करना है हमने, इट विल टेक टाइम, जितना स्ट्रांग हुआ है ना, लेकिन उसको रिप्लेस भी हम कर सकते हैं, प्लीज दे दे, बोल ले लो भैया बेटा। सर आप पर अटैक नहीं कर रही उनके साथ, तो मेरी मामी है मिलते क्यों करेगी, अभी देखें अभी, पॉइंट इज दिस कि मैंने आपको बताया था कि देखिए हमें सिखाना पड़ता है बच्चे को कि मेरे साथ क्या करना है, मैंने उसको कुछ सिखा दिया थोड़ी सी देर के अंदर, 5 दिन से मैंने इसके साथ बैठा है, मैं बहुत पहले इसके साथ क्लास में मैंने बैठ के भी, आसमा है नहीं है, उनको मैंने गाइड किया था कि क्या करें कैसे करें, हो गया एक कर ले इधर कर ले, फिर मुझे वापस पास करके दे, टारगेटेड बिहेवियर पे नज़र, पॉइंट मेरा जहाँ से स्टार्ट हुआ था कि टारगेटेड बिहेवियर को मत भूलें, वो इम्पोर्टेंट है, फिर उसके लिए सोचें क्या करना है, हाउ टू रिप्लेस इट, how to reduce the opportunity, how to distract her, how to reinforce her, pocket,
पहले वाला पकड़ के ना रखवाया होता तो ये वाला इसने नहीं रखना था, उसमें मैंने इसको सिखाया वेट वेट अभी दूंगा 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 अभी दूंगा वेट पीछो क्या देना है देता हूँ अभी दे पीछो मैं पहले बात करूँ थोड़ी सी देता हूँ और बात करके खत्म फिर मुझे कहना है आपने दो मैंने दे देना ठीक है वेट उसको रीइन्फोर्स करना जब उस जिस टाइम में वो नहीं कर रही है उस वक्त उसको फ़ायदा है, जब वो कर रही है उस वक्त आप उसको मना करते रहे उसका कोई फायदा नहीं। चलो जी ये लो एक काम कर दिया, उठना नहीं चाहती थी, उठ के बैठते ही बैठ जाती है फौरन नीचे, अब मैंने उसको फौरन पहन दे दिया बिकॉज दैट वाज हर इंटरेस्ट टुडे, अब वो रीइन्फोर्समेंट उसको मिली है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि ये तुम्हें मैं रीइन्फोर्स कर रहा हूँ, उसके इमीडिएट अटैच मैंने उसके साथ किया है, शी अंडरस्टैंड्स दैट। ठीक है एक मैंने भी बना के देना है ठीक है, और मैं बहुत प्यारा बना के दूंगा अपनी बेटी को ठीक है, लाइन में बनाऊ इधर कहा बनाऊ बताए इधर आपको मैं डॉल बना के देता हूँ, डॉल बना के दू डॉल आप खुद भी तो डॉल है ज्योति जी, चलो कहाँ गया ये डॉल की एक आई है एक और आई बना जी आप टिशू कहाँ टिशू हमारा कहाँ गया भाई थोड़ा सा टिशू दें प्लीज जी, डॉल हमारी किधर गई थी, ये एक और इसका ये बन गया, ये इसका नोज और ये इसके स्माइली वाले लिप्स, डॉल बन गई। अच्छा तब अभी मैं इसको बताता हूँ डॉल को देखना कैसे, आप डॉल को ऐसे देखना है ये जो दुपट्टा है इसका ना, ये दुपट्टा हम डॉल को भी देंगे ठीक है, डॉल को दुपट्टा कैसे देंगे ऐसे देंगे ऐसे ऐसे और फिर इसको देखेंगे ऐसे, ये देखो इसका दुपट्टा सही करो भाई ऐसे ऐसे, चलो ये देख ये देख ये देख ओए आप भी कैसे लगती हैं ऐसे, आप ऐसे कितना देख पर वो की डॉल होगी ऐसे और ये आप भी डॉल बन गई, ये गुड जी। एनी क्वेश्चन फिर आप स्टार्टिंग में ना रीफोर्स करके दोनों क्लैपिंग करा रहे थे फौरन रिस्पांस में, वो उसका रेपिटेटिव बिहेवियर भी हो सकता है हर इसको हमने नोट किया पिछले दिनों में जब से हमने सारों ने इसके लिए क्लैपिंग की थी, शी गिव अ गुड एक्साइटमेंट टू दैट, दे तो दे पीछे कहने दो अभी दूंगा दूंगा बनाऊंगा मैं एक और डॉल बनाऊंगा अभी बनाऊंगा वेट। अच्छा वो उसमें खुश होती थी तो मैंने उधर नोट कर लिया था कि क्लैपिंग इज अ रीइन्फोर्सर ऑफ हार्ट, उसमें खुश होती है और वो अभी भी हमें नजर आ रहा है। इस वक्त मेरा गोल रेपिटेटिवनेस इतना नहीं है, रेंडमाइज थोड़ा सा मैंने किया, पजल को इधर उधर किया, ये किया कि इनकी पहले शर्ट सही कराई दुपट्टा सही किया एनक उतराई एनक रेंडमाइजेशन टू इस वक्त प्राइमरीली देखिए मैं इसको अगर इस वक्त रेंडमाइज ज़्यादा करूँगा ना तो ये डिस्टर्ब होकर बिहेवियर बढ़ाएगी भी। सीवियर केसेस के अंदर हम शुरू में रिपीट करवाते हैं ताकि ग्रेजुअली उस तरफ जाए, पहले एक काम करने लग जाए फिर उसको रैंडमाइज में माइल्ड को हम जल्दी शुरू कर देते हैं रैंडमाइजेशन, फिर हम पहले बिहेवियर अनलर्न कराते हैं उसके बाद हम रैंडमाइजेशन को फिर उसके साथ साथ ठीक है। तो वो ग्रेजुअली पहले जूती तो पहन लो मेरा बेटा, इतनी प्यारी जूती ओ अल्लाह मेरे बेटे की, ठीक है जी। यानी से ख्याल से कौन बैठेगा आप इधर मेरी जगह पे, इन तीन के अलावा कौन बैठेगा, समबडी इज रिक्वायर्ड, कौन बैठेगा आप और मैं बताऊंगा बैठेगा क्या, आप बैठेंगे इंशाल्लाह कल आपको ही मारा था ना इसे, आज आप बैठे आज कैमरा बंद कर दो, थैंक यू सर।